नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव और बॉलीवुड की एक काफ़ी फेमस जोड़ी आमिर खान और किरण राव अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इन दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस बात का ऐलान किया और दोनों ने ये भी कहा कि वो आगे एक फैमिली की तरह तो ज़रूर रहेंगे लेकिन एक पति पत्नी की भूमिका आप नहीं निभा पाएंगे। साथ ही उनके बीच जो कॉरपोरेट रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन, वो आगे भी चलते रहेंगे, ऐसा भी उन दोनों ने कहा। इसके अलावा उन दोनों के जो बेटे हैं आज़ाद, उनकी कस्टडी को लेकर के ये कहा गया है कि वो आज़ाद की ज्वाइंट कस्टडी लेंगे, यानी कि वो दोनों मिल करके आज़ाद की देखभाल करेंगे। आमिर खान और किरण की जोड़ी 15 साल बाद अलग हो रही है। इसके पहले आमिर खान की जो पहली पत्नी थी उनसे भी आमिर खान 16 साल के बाद अलग हो गए थे और जब से ये ऐलान हुआ है तब से सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी अलग तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये 15 साल बाद बीवी को छोड़ने वाला क्या माजरा है। इसके अलावा एक और बात ऐसी है जिसको लेकर के आप इस वीडियो को शायद देखने आए होंगे कि ट्विटर पर इस समय या फिर सोशल मीडिया पर इस समय फातिमा सना शेख का नाम काफी ट्रेंड कर रहा है। ये ट्रेंड तब से शुरू हुआ जब आमिर खान और किरण राव ने एक दूसरे से अलग होने का ऐलान किया। दरअसल लोगों का ऐसा मानना है कि आमिर खान और किरण के अलग होने के पीछे एक वजह फातिमा भी है। इसके पहले भी ऐसी कई खबरें आई थी जिसमें आमिर खान और फातिमा के डेट करने की अफवाह उड़ी थी। अब इस अफवाह में कितना दम है ये तो नहीं पता, लेकिन लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि फातिमा सना शेख जो है वो आमिर खान की अगली बीवी हो सकती हैं। हालांकि ऐसा फातिमा को ट्रोल करने वाले लोग कह रहे हैं, ये कोई ऑफिशियल नहीं है। और फातिमा सना शेख ने इसके पहले एक बार ये कह दिया है कि आमिर खान सिर्फ उनके मेंटर हैं और उन दोनों के रिलेशन को लेकर के जिस तरह की अफवाहें बाजारों में या फिर सोशल मीडिया पर उड़ाई जाती हैं वो सरासर गलत हैं। लेकिन आमिर खान ने इसको लेकर के कभी ऑफिशियली कुछ ऐसा कहा नहीं कि इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन था। शायद इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पर फातिमा सना शेख को ट्रोल कर रहे हैं। खैर, फातिमा को लेकर के ट्रोलर्स की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन आमिर खान और किरण के बीच अलग होने की क्या वजह थी ये अभी तक लोग जान नहीं पाए हैं। और आमिर खान के एक बहुत करीबी मित्र भी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों कपल्स को समझाने की बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन वो नहीं माने। तो ये एक छोटा सा अपडेट था इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों के अलग होने की वजह हो सकती है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।